सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज 39वें दिन अयोध्या केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन से चुटकी ले ली, जब हिंदू पक्ष के वकील के प्रासरण से संवैधानिक पीठ पर सवाल दाग रही थी तो सीजेआई ने धवन से पूछ लिया कि क्या वह संतुष्ट हैं। सीजेआई की इस सवाल पर पूरा कोर्ट रूम ठहाके से गूंज उठा। दरअसल मामला यह है कि कल वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर सिर्फ उनसे सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पीठ हिंदू पक्ष के वकीलों से सवाल नहीं करती। इस पर कल पीठ ने कुछ नहीं कहा। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील के प्रासरण ने धवन के बयान को गैर जरूरी बताते हुए आपत्ति जरूर जाहिर की थी। हालांकि आज जब प्रासरण ने अयोध्या की विवादित जमीन पर हिंदुओं के टाइटल का दावा कर रहे थे, तब पीठ में शामिल जज उनसे एक के बाद एक कई सवाल उठाए। इसी बीच सीजेआई गोगोई ने धवन से पूछ डाला, डॉक्टर धवन, क्या हम हिंदू पक्षों से पर्याप्त सवाल कर रहे हैं? कल के आरोप पर सीजेआई का धवन पर किया गया तंज समझने में देर नहीं लगी और कोर्ट रूम में बैठे सारे लोग ठहाके लगाने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।